मनी बाय लॉरा वाटरली। क्या आपको भी लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है कि पैसे आपके हाथ से साबुन की तरह फिसल जाते हैं? क्या आपको भी आपके बिल्स देखकर डर का एहसास होता है? अगर ऐसा है तो इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि किस तरह से आप इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने फाइनेंस यानी कि पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस समरी में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह जापान के लोगों ने बजटिंग को एक आर्ट फॉर्म का रूप दे दिया है। आखिर किस तरह आपकी सैलरी अनएथिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है और क्यों आपको अपनी पेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बड़े डिपॉजिट के लिए सेव करके और अपने एक्सपेंसेस पर लगाम लगाकर एक सस्ती चीज गिरवी रख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के लगभग हर देश में घरों के प्राइस लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए घर खरीद पाना काफी मुश्किल काम हो गया है। आज के जमाने में अपना घर होना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है और यही लोगों की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो घरों के प्राइस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम में घरों के प्राइसेस 25 से 34 साल की उम्र के लोगों की सैलरी से 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर खास तौर पर लंदन की बात की जाए तो वहाँ पर तो घरों के प्राइस में लगभग 16% का इंक्रीमेंट हुआ है। इंडिया में भी अब घरों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको भी अपना खुद का घर चाहिए तो उसके लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। आजकल ज्यादातर लोग घर के लिए होम लोन ले लेते हैं। होम लोन के लिए जरूरी है कि बैंक के सामने आप अपनी एक साफ सुथरी इमेज पेश करें। आप अपना खुद का घर अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि क्या आप डिपॉजिट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि क्या आप अपनी बैंक को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको बचा हुआ पैसा लोन के रूप में दे। डिपॉजिट के रिगार्डिंग सबसे जनरल रूल यही है कि आप जितना ज्यादा डिपॉजिट करेंगे आपको उतना कम लोन बैंक से लेना होगा और उसकी वजह से आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा। वैसे आमतौर पर लोग जिस घर को खरीदने जा रहे होते हैं उसके अमाउंट का बस 5% ही डिपॉजिट कर पाते हैं, जो कि काफी कम है। हालांकि अगर आप लोग 10% डिपॉजिट जनरेट कर लेते हैं तो इससे आपका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो सकता है। बैंक आपको लोन देगा या नहीं, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आप अपनी इनकम तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अगर हो सके तो सेम इनकम वाले व्यक्ति के साथ टीम अप होकर आप अपनी इनकम को इफेक्टिव तौर पर डबल शो कर सकते हैं। बैंक लोन प्रोवाइड करने से पहले आपकी लास्ट कुछ मंथ की आउटगोइंग चेक करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरह के डिफॉल्ट से खुद को दूर रखें। अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करके आप लोन्स पर बेटर डील्स पा सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पर बैंक्स लोन प्रोवाइड करने से पहले फोकस करती हैं, वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो कि हम सभी को क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। ये एजेंसी हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी नजर रखती है कि हम किस तरह से बैंक के साथ लेन देन कर रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट स्कोर देती है। क्रेडिट स्कोर देखकर लोन देने वाले को ये समझ आ जाता है कि वो जिस व्यक्ति को लोन दे रहा है वो लोन वापस कर पाएगा या नहीं। फाइनेंस की दुनिया में क्रेडिट स्कोर काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से आपको लोन सस्ते में मिल सकता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता, ये लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि कोई राह चलता व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा है और आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्रेडिट स्कोर होने से आपको पैसे मांगने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। हालांकि ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो कि पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनको अपना क्रेडिट स्कोर डेवलप करने का मौका ही नहीं मिला होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि वो पहले छोटा छोटा अमाउंट लोन लें जिससे वो अपना क्रेडिट स्कोर डेवलप कर सकें। कोई भी व्यक्ति अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीजें कर सकता है। अपने सभी बिल्स टाइम पर पे करके भी आपका क्रेडिट स्कोर सुधर सकता है। क्रेडिट स्कोर को खराब ना करने के लिए जरूरी है कि आप एक ही टाइम पर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो भी क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। हालांकि ये जानकर आपको काफी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है
कि आजकल क्रेडिट एजेंसीज इतना ज्यादा लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर कोई चीज गलत है तो आप तुरंत एजेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं। आपने चाहे जितना भी उधार लिया हो उसको मैनेज करना कभी भी नामुमकिन नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए यही है कि वो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो कि काफी कॉमन है और वो है डेट। सिंपल शब्दों में कहें तो उधार। इंडिया में न जाने कितने लोग हैं जो उधारी के कारण अपने बिल्स टाइम पर पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कि डेट के कारण परेशान हैं, तो खुद को अकेला मत समझिए। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको अपने डेट को मैनेज कैसे करना है। ये आपको काफी ऑब्वियस लगेगा, लेकिन पैसे उधार लेने के जनरल रूल्स यही हैं कि जितना कम से कम हो सके उतना ही उधार लें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको वापस कर दें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर $3,000 खर्च किए हैं। अब आपको 19% इंटरेस्ट के साथ इस अमाउंट को पे करना है। हर मंथ आपको मिनिमम अमाउंट $74 पे करना ही है। अगर आप मिनिमम अमाउंट के साथ जाएंगे तो आपको अपना बिल पे करने में 27 साल लग जाएंगे और आपको कुल $7,192 पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप हर मंथ $108 पे करेंगे तो 3 साल के अंदर आप अपने बिल से मुक्त हो जाएंगे और आपको बस $3,879 पे करने होंगे। और अगर आप अपने डेट यानी कि उधार पे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिटर से बात करके एक अच्छा सा रीपेमेंट प्लान बनवा सकते हैं, जिससे कि आप अपना डेट अच्छे से मैनेज कर सकें। हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई भी डेट ऐसा नहीं होता जो मैनेज ना किया जा सके। इसलिए अगर आप खुद को डेट की वजह से प्रॉब्लम में पा रहे हैं तो किसी क्रेडिटर से हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लोगों को इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर रहे हैं। आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड डाउन किए बिना अपना बजट इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि उनके पास कम पैसे हैं और इसलिए हमेशा उन लोगों को पैसे की जरूरत लगी रहती है। अगर हम लोग ज्यादा अर्न नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है सही तरह से अपना बजट मैनेज करना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बजट में लाइफ जीना मतलब लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं रह जाएगा, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। बहुत से लोग बजट वर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज वर्ड को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को अपने बजट के अकॉर्डिंग जीने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर दें। हम सभी ऐसी बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं जो हमको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करती। यहीं पर बजटिंग का काम शुरू होता है। बजटिंग करके हम उन चीजों से दूरी बना सकते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और जिनके बिना हम रह सकते हैं। यहीं पर जापान का एक कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प कर सकता है, केकिबो। ये एक जापान का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि अपने डेली खर्चों का हिसाब रखना। इसका मतलब होता है मनी मैनेजमेंट की आर्ट और फिलॉसफी। अगर आप भी केकिजा मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं तो पहला स्टेप ये है कि आप कुछ बेसिक अकाउंटिंग करें। सबसे पहले अपनी पूरी इनकम लिखें और फिर उसमें से जरूरी खर्चों को निकाल दें, जैसे कि घर का किराया, जरूरी बिल्स वगैरह। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको सेव कितना करना है। मान लीजिए कि आप अपनी इनकम का 20% सेव करना चाहते हैं, तो इस अमाउंट को भी अपनी इनकम में से माइनस कर दें। इसके बाद बचे हुए पैसे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि फिर मंथ के 4 वीक्स में आप उन 4 पार्ट्स में से एक एक पार्ट खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने पैसे को अलग अलग अकाउंट में रखें, क्योंकि अगर आपको बार बार अपने सेविंग अकाउंट में पैसे नजर आएंगे तो आप उनको किसी भी हाल में खर्च जरूर कर देंगे। अपने पैसे को फंड में इन्वेस्ट करना अपनी सेविंग्स ग्रो करने का एक सेफ वे है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सेविंग्स स्लो वे में ग्रो कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यू आर लूजिंग मनी। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट से निकाल कर इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टिंग में एंटर करने के लिए आपको काफी पैसे की नीड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में इन्वेस्टिंग उतना ही सिंपल है जितना कि सेविंग अकाउंट ओपन करना। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग मुश्किल है तो शायद आपको ये नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी इन्वेस्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करता है और आपको अलग अलग तरह के टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें। अगर आपको सीरियस तौर पर इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है तो आपको बस इतना तय करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट फंड आपके लिए बेटर होगा। इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ सेपरेट इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टिंग तो रिस्की भी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ, इन्वेस्टिंग में रिस्क तो है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फंड का मेन पॉइंट होता है रिस्क को कम करना। इसलिए इस बात के चांस काफी कम हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं तो आपको लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड तरीके से करना, मतलब एक ही जगह पर सारा पैसा इन्वेस्ट ना करना। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना आपको बिल्कुल वही फील देगा जो आपको अपना सेविंग अकाउंट देखने के बाद आती है। आप जितनी जल्दी अपना पेंशन प्लान सेट कर लेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। जब भी लोग फाइनेंस की बात करते हैं तो पेंशन की बात सबसे लास्ट में करते हैं। फ्यूचर के लिए सेव करना लोगों को काफी ऑकवर्ड लगता है। अगर व्यक्ति के पास कोई टारगेट हो, जैसे कि उसे घर लेना है या फिर कोई और चीज खरीदनी है, और उसके लिए उसको पैसे सेव करने हैं, तो फिर व्यक्ति आसानी से पैसे सेव कर सकता है। परंतु फ्यूचर को लेकर लोग ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कुछ भी हो, फ्यूचर के लिए सेविंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आपको ये पसंद ना आए, लेकिन एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और बढ़ती उम्र के साथ आपको आराम की जरूरत होगी। इसलिए जरूरत है कि आप अपने शुरुआती दिनों में ही अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अपने लिए सेव कर पाएंगे। आजकल गवर्नमेंट भी लोगों के रिटायरमेंट के बाद की लाइफ पर काफी ध्यान दे रही है। अगर आप अपना पेंशन अकाउंट ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपके पैसे की अच्छी ग्रोथ हो सके। पेंशन अकाउंट से जुड़ी खराब बात बस ये एक ही है कि आप उस पैसे का यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप रिटायर ना हो जाएं। अब बात आती है कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करनी है तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट के हर साल में अपनी करंट सैलरी का 2/3 चाहिए होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अभी 19,000 रूपए अर्न कर रहे हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर साल लगभग 60,000 रूपए की नीड होगी। मतलब हुआ कि आपको रिटायरमेंट के 20 साल के लिए टोटल 12,00,000 रूपए सेव करने होंगे। हो सकता है अभी आपको इतना ज्यादा सेव करना मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए कि अगर आप इतना अमाउंट सेव नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंस को रेगुलरली और ओपनली डिस्कस करने से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। एक बार ऑथर के पास एक रिक्वेस्ट आई। वो रिक्वेस्ट एक लेडी की थी। उस लेडी ने बताया कि अभी हाल में कुछ दिनों पहले ही वो अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में उसके साथ शिफ्ट हुई है ताकि वो अपना रेंट सेव कर सके, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड ने उनसे रेंट शेयर करने के लिए कह दिया है। हालांकि एक तरह से ये ठीक भी है कि घर में रहने वाले दोनों लोग रेंट शेयर करें, लेकिन लेडी के मन में ये डाउट भी है कि वो किसी ऐसे अपार्टमेंट का रेंट क्यों दे जिसमें उसका स्टेक ही नहीं है। वो ऑथर से पूछती है कि क्या रेंट देना सही है या फिर उसका बॉयफ्रेंड उसका फायदा उठा रहा है। ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन का कोई आंसर नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में कपल्स को खुद मिलकर ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे। इसलिए उनको फाइनेंस से रिलेटेड ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। वैसे आज के टाइम में कपल्स के बीच सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जिस चीज की वजह से होते हैं वो मनी ही है। घर में रहने वाले कपल्स में पैसों को लेकर दो अलग तरह की सोच होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक पार्टनर को कपड़े खरीदने काफी पसंद है तो दूसरे पार्टनर को लगता है कि कपड़ों पर पैसे खर्च करना वेस्ट है। ऐसे में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। ऐसे में कपल्स को एडवाइस यही दी जाती है कि वो आपस में खुलकर अपने फाइनेंस को डिस्कस करें, क्योंकि अगर टाइम रहते वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से कपल्स में फाइनेंस को लेकर एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। इस टेक्निक में आप म्यूचुअल तरीके से डिसाइड करें कि आप दोनों में से कोई अगर कुछ अपने पैसों से खरीदता है तो आप उससे कोई सवाल नहीं करेंगे, और साथ ही साथ आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि रेंट और बाकी बिल्स में कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। वैसे आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि दोनों पार्टनर्स की इनकम एक जैसी हो, इसलिए कभी ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हर चीज में आप दोनों इक्वल शेयर देंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है।
अपने पैसे बेहतर वे में मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैसे के साथ अपने इमोशनल रिलेशनशिप को भी मैनेज करें। वैसे कहा तो ये जाता है कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी मेंटल हेल्थ खराब जरूर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेन और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ चैरिटी माइंड के अकॉर्डिंग जो लोग अपने बिल्स टाइम पर पे नहीं कर पाते उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, और जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो फिर तो हमें अपने बिल्स देखने में भी डर लगता है। मनी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको अकाउंटिंग और बजटिंग से आगे सोचना होगा। सिर्फ इतने से आपका काम नहीं होगा। अपने पैसे को मैनेज करने का मतलब है कि आप अपने पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं। आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। सबसे पहली चीज, अपने बजट को लेकर रियलिस्टिक रहें। हमेशा अपने बजट में से कुछ पैसे उन चीजों के लिए रखें जिससे आपको खुशी मिलती हो। उसके बाद जरूरी है कि आप एक ऐसा फोल्डर बनाएं जहां पर आप अपने सारे बिल्स और रेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रख सकें। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड चीजें बैलेंस में रहेंगी। और सबसे लास्ट में इस चीज का एक रिकॉर्ड जरूर रखें कि आप जहां जहां भी पैसे खर्च कर रहे हैं वहां पर खर्च करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा था। ये काफी जरूरी है क्योंकि कभी कभी हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है। आपके पैसों के लिए एथिकल फंड सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन हो सकता है। अगर आप किसी पेंशन मिलने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये तय है कि आपके पेंशन प्रोवाइडर ने किसी ऐसी कंपनी में शेयर खरीद रखे होंगे जो कि आपके पसंद की नहीं होगी। आपको लगता होगा कि कंपनी सोशली स्टेबल नहीं है। खैर, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो गया है। अब आप अगर चाहें तो आप अपने डिफॉल्ट फंड को एथिकल फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। एथिकल फंड में वो सारी कंपनी इंक्लूड नहीं होती जो कि सोशल तौर पर स्टेबल नहीं है, जैसे कि गन बनाने वाली कंपनी या फिर गैम्बलिंग वेबसाइट्स। इसके अलावा आप पॉजिटिव इंपैक्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। हालांकि पहले एथिकल फंड जैसी चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका मकसद है अपना पैसा ग्रो करना, और वो चाहे जैसी भी हो। लेकिन अब टाइम के साथ चीजें बदलने लगी हैं। अब एथिकल इन्वेस्टमेंट काफी सेफ ऑप्शन की तरह देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोसाइटी की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। यंग जनरेशन सोशल वैल्यूज को लेकर काफी सीरियस है, इसलिए आजकल लोग उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं मानते जो कि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप जो भी अपने पैसे के साथ करते हैं उसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड पर पड़ता है। कुल मिलाकर अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने का मतलब आप मनी की प्रैक्टिकल साइड को भी अच्छे से टैकल करें और उसकी पर्सनल साइड को भी अच्छे से टैकल करें। प्रैक्टिकल साइड को टैकल करने का मतलब अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना, अपना पेंशन प्लॉट डिसाइड करना, और पर्सनल साइड को टैकल करने का मतलब है कि आप अपने पैसों के प्रति अपनी वैल्यूज और एटीट्यूड को समझें। क्या करें? अपने बजट को अच्छे से मैनेज करने के लिए आप 50/20/30 स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप सही तरह से अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं। अपनी इनकम का 50% बिल्स और कम्यूटिंग कॉस्ट जैसी चीजों पर स्पेंड करें। उसके बाद 20% अपने डेट को क्लियर करने के लिए यूज करें और बचा हुआ 30% अपने करंट अकाउंट में रखें। इस 30% को आप कॉकटेल्स पर खर्च करें।